पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाय, माय नेम इज ज़ारा शर्मा। आपके बॉलीवुड की अगर बात करें तो किस तरह का सफर रहा आपका, कुछ शेयर करेंगे? अभी तो सर आई एम स्टार्टिंग, I just started my career before four or five months back in this field. बॉम्बे में आने से पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कुछ शेयर करिए। वेल, मैं बेसिकली एमपी से हूँ एंड रहने वाली वैसे शहडोल से हूँ। शहडोल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये नियर बाई जबलपुर है, सो शहडोल से हूँ मैं बेसिकली। तो वहाँ से बॉम्बे आना कितना कठिन था, क्या फैमिली का सपोर्ट था? बॉलीवुड में आना काफ़ी टफ होता है बेसिकली एक लड़की के लिए, तो इसमें फैमिली का कितना बड़ा योगदान था या कुछ शेयर करें? मेरी थोड़ी स्टोरी अलग है, बिकॉज मैं व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड तब से मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैंने बहुत सारे मतलब अपन्स डाउन देखे हैं घर पे भी और बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, खुद से जॉब करना है, स्टडी करना है, तो मैं ऐसे ऐसे करके आई हूँ। और जब बॉम्बे के लोग पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड होकर के भी सपोर्ट नहीं करते हैं ये फील्ड के लिए, तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत छोटी जगह से हूँ, तो वो तो ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते थे। इवन मेरे पेरेंट्स तो कुछ ठीक भी है, बट वो फैमिली वाले जो होते हैं लाइक रिलेटिव्स, नानी एंड ऑल दैट, बुआ वुआ सब कुछ, तो वो लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में कैसे कैसे सब होता है, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे सीन होता है, ये वो, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। बट द थिंग इज़ कि मैं खुद से मैंने जॉब किया, स्टडी किया, धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक आई मतलब। तो जब हम उनसे कुछ लेते नहीं हैं तो उतना ज़्यादा वो लाइफ में फिर इंटरफेयर भी नहीं करते, तो इतना कुछ वो लोग अभी इतना कुछ मुझसे वो नहीं रखते हैं कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें, कि कुछ पूछें कि ये क्यों कब कहाँ कैसे, इतना नहीं पूछते मतलब। और मैंने अभी तक अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है मुझे आए हुए, तो ऐसा कुछ मैंने कुछ किया भी नहीं है, ऐसा कुछ शर्म लगी है। हाँ डेफिनेटली, मैं जब भी छोटी थी तो मेरे नाना जैसा मुझे याद है उनका सीरियल आता था आई थिंक बनू में तेरी दुल्हन, वो आता था, सारा खान का आता था विदाई, तो मेरे नाना लोग सब देखते थे। और काफ़ी मतलब जो गांव वाले लोग होते हैं वो मूवी से ज़्यादा सीरियल से कनेक्टेड होते हैं, तो वो लोग देखते थे, वो लोग बोलते थे कितनी मासूम सी लड़की है, कितनी प्यारी सी इसकी हंसी है बेचारी, मतलब वो लोग अपने आप को उस में कनेक्ट करते थे, उनको लगता था कि उसकी सास दुख दे रही है तो मतलब सच में हो रहा है ऐसा, मतलब ड्रामा हो रहा है, वो सब अपने आप को मतलब उससे मतलब उससे बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सब देख करके कि मतलब जब मेरे घर वाले ये सब मेरे फैमिली वाले ये सब उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतनी सिंपथी रखते हैं, इतना रिस्पेक्ट इसको देते हैं, वो इसके जो ओन इसके फैमिली वाले होंगे, इसके रिलेटिव होंगे, इसके पेरेंट्स होंगे, कितना प्राउड फील करते होंगे, मुझे भी लगता था कि ये एमपी की हैं, ये भी उन लोगों का समटाइम इंटरव्यू वगैरह भी करती थी, इसमें तो कोई ऐसा कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, सब लोग नॉर्मल थे, तो डेफिनेटली मैं भी सोचती थी कि कभी ना कभी मुझे भी जाना है और मैं भी कुछ करूँगी, और ऐसे करते करते वहाँ से पहले से बताने से क्या फ़ायदा होता है, जब कोई चीज़ आए लोगों को पता चले और लोग खुद पूछे कि वाओ यार तुम ये कर रही थी बताया नहीं, तो उसकी बात ही अलग होती है, लोग तो खुद आपको कॉल करके आपके काम की बधाई दे, पूछें आपसे, तो वो होता है। तो आई जस्ट बिलीव इन दैट कि मुझे पहले से बताना अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं, बिकॉज यू नो सब कोई लाइनअप करता है अपनी लाइफ के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, बट समटाइम्स चीज़ें होती हैं और बहुत सारी रुक भी जाती हैं, तो हम पहले से किसी को क्यों बताएं। मुझे मॉडलिंग भी अच्छा लगता है और आई वॉन्ट टू
टू एक्टिंग, बट मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मुझे एक अच्छी आर्टिस्ट बनना है और मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले, मेरे देश वाले, एमपी के लोग और मैं जो भी इंडिया में काम करूँ, मतलब सब लोग मेरे ऊपर मतलब प्राउड हो, उनको लगे कि एक छाप छोड़ के जाऊँ कि हाँ इस कैरेक्टर को इसने निभाया, बहुत अच्छे से निभाया. जस्ट आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड मुझे आर्टिस्ट जैसा लोग याद रखें, मैं ये चाहती हूँ, ना कि वो बस ग्लैमर टाइप से बन के आ गए और फिर हो गया सॉन्ग वॉन्ग में दिख गए, बाकी कुछ है ही नहीं पिक्चर में. तो वैसा तो मैं नहीं करना चाहती हूँ. लाइक कितने सारे लोग हैं, नवाज सर हैं और राजकुमार सर हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने मतलब मुझे लगता है कि मैं काम करूँ आगे फ्यूचर. आई विश हाँ ये बात तो आप सच बोल रहे हो, हर इंसान एक्टर ही है आज के टाइम पे. और मैं तो भोपाल में थी तो मैं थिएटर वगैरह करती थी, छोटे मोटे फैशन शो वहाँ पे करती रहती थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है. एंड मैं अभी यहाँ पर अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ. तो यही सब चीज़ों को देख कर, इन लोगों को देख कर के, नमाज़ वगैरह को, बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल देख करके ही मतलब मुझे लगा कि यार मतलब हमें लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, हमको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. आपको अगर मौका मिले मैं जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम करना चाहूँगी. और मुझे तो लगता है अभी मैं नहीं हूँ, बाकी तो जितने सारे लोग काम कर रहे हैं सब कोई अच्छा ही आर्टिस्ट है, तो मैं सबके साथ बैठी. नवाज सर वगैरह की बात ले लो, मैं उनकी बात इसलिए बार बार कर रही हूँ बिकॉज उनका भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, वो कितने कैसे कैसे लाइफ में स्ट्रगल करके, मैंने उनका इंटरव्यू काफ़ी टाइम सुना है, उनका स्ट्रगल देख करके मतलब एक बहुत वो होता है अंदर कि यार मतलब जब ऐसा इंसान कर सकता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करके यहाँ तक आया है, हार नहीं माना है. तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से, जो ऑडिशंस वगैरह होता है लुक टेस्ट में, अगर हम पास नहीं होते हैं तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या फिर तो मतलब वो हो जाते हैं कि व्हाट इज दैट कॉल, होप्स अपना टूट जाता है कि यार नहीं हुआ यार, अपना तो कुछ होगा ही नहीं. बट फिर ऐसे लोग भी हैं कुछ जिन्होंने मतलब कंगना को ले लो, मतलब मैं कंगना को बहुत पसंद करती हूँ, तो ऐसे लोगों को भी ले लो कि जिन्होंने मतलब हार कभी नहीं मानी. तो ऐसे लगता है कि यार मतलब इतना जल्दी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए. आपको लगता है अगर जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा कठिन होता है रास्ता? डेफिनेटली वो तो होता ही है, बिकॉज अगर आपके फादर क्रिकेटर हैं तो बच्चों को मतलब उसमें जाने में कहीं ना कहीं तो बैकग्राउंड का तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. आपके फादर बिल्डर हैं तो लड़के को मतलब वो सब चीज़ें मतलब माहौल बचपन से ही मिलता है. और कोई किसी फील्ड में होता है, एक्टिंग वाले जो लोग हैं तो उनके बच्चों को भी मतलब वो चीज़ें स्टार्टिंग से ही उनको फिल्मी माहौल समझ में आता है, कहाँ पर क्या रहना है क्या. हम जैसे लोगों के लिए तो हर चीज़ सीखनी पड़ती है, खुद से करना पड़ता है, वो भी जब मेरे टाइप का, खासकर ऐसे लोग होता है जिसका कोई मतलब बैकग्राउंड तो दूर की बात है, जिसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फादर बहुत वेल टू डू हैं तो मतलब घर से पैसा आता है, वो सब चीज़ें हैं. तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, घर को भी देखना है, ब्रदर्स वगैरह को भी, सबको देखना है, खुद का भी देखना है, फिर खुद के ड्रीम को भी देखना है. तो हम लोगों के लिए तो और बहुत ज़्यादा टफ है ये. तो अगर बात करें तो अभी तक आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना, किस किस चीज़ को फेस करना पड़ा है बॉम्बे में आने के बाद? अभी तो फिलहाल अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले और बस अभी तो अब मैं यही देख रही हूँ कि अच्छे अच्छे लोग मिलें, अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, बस यही देख रही हूँ. बट ये जो प्रॉब्लम है कि मतलब बेसिक जो लोगों को प्रॉब्लम होती है रहने खाने की, आने जाने की, बाकी जो स्ट्रगल टाइप का है, तो वैसा तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, बिकॉज लोग बोलते हैं बहुत कुछ, मैं ट्रेन से गई, यहाँ गई, वहाँ गई, भूखे सोई, ये करी वो, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. बिकॉज मैं मतलब उतनी ज़्यादा मेरी एज नहीं है, बट ये कि मैंने अभी जो 6-7 साल से मैं घर से बाहर हूँ, तो मैंने पहले मैं थोड़ा सा वो हूँ प्लान में करूँ, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं बनाती लेकिन थोड़ा सा प्लान बनाती हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसा करूँगी तो मुझे यहाँ से ये चीज़ करनी है. बिकॉज हम अगर बॉम्बे में आए, हमारा मेन ड्रीम है कि हमको एक्टर बनना है, तो हम यहाँ पर आकर के वो घर पे रोटी कपड़ा टाइप से उसमें ही लगे रहेंगे, तो फिर हम अपने ड्रीम में फोकस कब करेंगे. तो मैं ऑलरेडी 1-2 साल का अपना प्लान करके आई थी कि मुझे इतना तो यहाँ पे टाइम देना ही देना,
देना है, लोगों ने 8-10 साल दिया है तो क्या मतलब मैं अपनी लाइफ के 2 साल भी नहीं दे सकती अपने ड्रीम के लिए. तो उतना ज़्यादा ऐसा कुछ रहने खाने टाइप का, इस टाइप का तो अभी भगवान की दया से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बट बस अच्छा प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट मतलब अपने आप को प्रूव करना है लोगों को जो मेरे आसपास हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वेलविशर सबको मेरे ऊपर प्राउड हो. बस काम ढूंढ रही हूँ बस अच्छे. अगर आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपके, कुछ शेयर करें? वैसे तो हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है, आधा गांव में पूरा हमारा ही है. बट मेरी फैमिली में लाइक मेरे घर की बात करें तो मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरे दो भाई हैं और मैम. सबसे बड़ी आप ही हैं? हाँ सबसे बड़ी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही सब वो तो है भी, क्या करें बड़ी हूँ तो. सोशल मीडिया पर काफ़ी इन्फ्लुएंसर और काफ़ी इसमें आपने कभी आजमाइश की कि आज फैन फॉलोइंग का दौर है बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों का कि काम भी उसी को मिल रहा है जिसके पास में फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं तो कभी इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों में पढ़ी नहीं कि मतलब फ़ैन वगैरह का ये वो सब चक्कर में. बिकॉज मैं मतलब मुझे लगता है कि यार मैं अपना काम करूं और जब काम करूंगी तो लोगों को दिखेगा तो वैसे भी मेरे फ़ैन बन जाएंगे. और ये मुझे आर्टिफिशियल टाइप के फ़ैन नहीं चाहिए कि मतलब मैं ऐसे कुछ भी जैसे कोई सॉन्ग बना दी, सॉन्ग में कोई एक्सप्रेशंस दे दी बस वो रील्स वगैरह में, और प्लस वो सब्जी वाले ऑटो वाले ऐसे लोग मेरा रील देख रहे हैं वो लाइक करेंगे. मुझे ऐसे फ़ैन वैसे मैं नहीं सोचती हूँ कि ऐसे मेरे फ़ैन बने. मैं सोचती हूँ मैं जो सच में काम करूँ और सच में लोग मेरा काम देखें, जब वो मेरे जेन्युइन फ़ैन बने. वो अभी कितने सारे लोगों को हम देखते हैं कि 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन लोगों का मतलब 20 मिलियन तक लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं. बट फिर हम अगर देखें कि मतलब उनका कोई वीडियो सॉन्ग आया वो हम उनको देखते हैं तो फिर मतलब वो फिर मतलब उतना फिर याद भी नहीं रहता है. वो आता है 2-4 दिन याद रहता है फिर चला जाता है. तो मतलब एक मुझे लगता है ये इन्फ्लुएंसर जो होता है दिस इज़ डिफरेंट थिंग, एंड ये जो आर्टिस्ट होता है मुझे लगता है ये अलग चीज़ है. तो मुझे आर्टिस्ट बनना है. इन्फ्लुएंसर का तो वो तो ठीक है, सम टाइम इफ़ आई हैव टाइम देन वो मैं टाइम पास कर लूँगी लाइक कुछ करने के लिए. बट ये कि मुझे आर्टिस्ट बनना है. मैं ग्लैमर से ज़्यादा टैलेंट पे बिलीव करती हूँ, लाइक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जस्ट गो विद द फ्लो एंड नेवर गिव अप, मैं यही सोचती हूँ लाइक मी. और बस अगर कोई चीज़ इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग ओनली, इट्स अबाउट एवरी प्रोफेशन, कि अगर आपको वो चीज़ करना है, आप करना चाहते हो तो आप पागलपन की भी पागलपन पार कर दो, मतलब वो चीज़ को करने के लिए कि हाँ चलो, ताकि लाइफ में कभी आपको आप वो न रहे कि यार मैं काश इसमें इतना दिमाग लगाई होती, इतना टाइम दी होती तो ये चीज़ हो जाता. तो बस मुझे वही मैं सोच के आई हूँ कि मुझे अगर 2 साल बहुत मेहनत करना है तो मुझे बहुत ही मेहनत करना है. और कभी मुझे लाइफ में कभी ऐसा लगे नहीं कि काश मैंने टाइम दिया होता तो कुछ कर लेती. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.